बाबा साहब अम्बेडकर का मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है कि मैं कई जन्म लेकर भी उतारना चाहूं तो नहीं उतार। चुरा मेरे मज पम्मण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चुरा मेरे मज पम्मण वेर मन सिखा पदंग देखिए, समाधि हम पिछले 10 महीने से कुछ चीजें रोज कर रहे हैं। एक तो वी द पीपल का प्रियम्बल हर रोज पढ़ते हैं, और दूसरा है कि हम जो श्रमण संघ का कंसेप्ट है उसके ऊपर रोज विचार करते हैं। और मुझे लगता है कि भाई जितनी ऊर्जा से और जितनी ताकत से और जितनी समझ से सुधीर राज जी ने इसको ना के प्रमोट किया है, बताया है, जहाँ प्रमोट किया है, टाइम आकर जितनी उसके अंदर हमें ज्ञान दिया है उसको तो कोई कम्पीट कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक बात हम जरूर करनी चाहेंगे कि भाई श्रमण संघ की हमें आज जरूरत क्यों पड़ी है। मुझे ये ऐसा लगता है कि श्रमण संघ की जरूरत केवल हमें आज ही नहीं पड़ी है। जे अगर हम अपने पुरखों की तरफ भी देखें तो जब भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनके सामने एक समस्या आई थी कि भाई मैं अकेला सारे भारत में कैसे इस ज्ञान को बांट पाऊंगा, कैसे लोगों तक पहुंच पाऊंगा। तो उनके दिमाग में भी ये एक आइडिया आया था कि एक संघ मेरे साथ होना चाहिए, और जो उस संघ के तरीके से या उसके माध्यम से मैं अपने विचारों को भारत की हर दिशा में भेज दूंगा। तो वो बुद्धगया से अपने सारनाथ आकर उन्होंने एक संघ इस्टेब्लिश किया, और उस संघ के जो भिक्षुओं को जैसे ही उन्होंने बताया कि ये मेरे विचार हैं, ये मेरा सच है जिसकी मैंने तलाश करी है, और मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ जो है समाज के एक एक व्यक्ति को हो, तो वो भिक्षु भी तैयार हुए। भिक्षु भी तैयार हुए तो वो भिक्षुओं को आदेश दिया कि आपको एक एक दिशा में एक एक को जाना है, एक दिशा में दो नहीं जाएंगे, और मेरा संदेश जहां तक आप लेकर जा सकते हैं जाएंगे, पीछे वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे संघ की भगवान बुद्ध को भी जरूरत पड़ी, और जिन लोगों ने भगवान बुद्ध का वो कॉन्सेप्ट समझा और संघ का जो कॉन्सेप्ट समझा, वो लोग इतनी क्या कहें उसको, इतनी श्रद्धा से या इतनी वो ऊर्जा से उसमें जुड़े कि सारे भारत को, जब तक जबकि भारत अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक था और गोबर कन्याकुमारी इसीलिए तो वो सारी जगह फैल सका। उसके बाद हम आते हैं कि भाई जो हमारे उड़ उसी उसी धर्म को उसी धर्म को प्रचार करने के बाद जब हमारे साथ ये बाबा साहब के ऑनस्लॉट हुआ भगवान बुद्ध के समन संघ के ऊपर, तो उसके बाद हमारे जो संत आए थे जो मिध काल में आए, उन लोगों ने भी इकट्ठा होकर काशी में, जैसे कबीर जी थे, इवन गुरु नानक जी भी वहां गए, जे अपने रैदास जी थे और दूसरे त्रिलोचन जी से और भी कई संत थे जो इकट्ठे होके एक बहुजन बना के अपना संघ बना के चलाना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको इस तरीके से मैनेज कर लिया कि वो कोई मूवमेंट चला नहीं पाए। अपनी अपनी जगह उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ विरोध भी किया और अपने लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी विचार की बातें भी करी, लेकिन बाहर दो चीजों के ऊपर बहुत बड़ा एक पैरा था। एक था कि भगवा कपड़ा पहनने के ऊपर ब्राह्मणों ने एक पाबंदी लगा रखी थी कि कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो है
वो भगवा कपड़ा नहीं पहन सकता, और उसके साथ साथ भगवान बुद्ध का नाम लेने के ऊपर भी बड़ी पाबंदी थी और बड़ा टेरर था। इसलिए जो हमारे संत थे, हमारे जो सानवी ना बहुत ही ज्यादा ही अत्याचार कर रही है, तेरे को नहीं लग रहा ऐसा? तो उसके जब उनको मैनेज कर लिया, तो उसके बाद हमारी जो मूवमेंट थी वो एक बार फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं चली। और फिर आते हैं ज्योतिराव फूले जी। अब ज्योतिराव फूले जी जब आते हैं तो उनके सामने भी एक समस्या आई। जब उनके साथ अन्याय हुआ तो उनको भी ये महसूस हुआ कि भाई मैं अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये एक अकेले आदमी की लड़ाई नहीं है, मुझे भी संघ की जरूरत है। तो उन्होंने भी सत्यशोधक समाज बनाकर एक संघ चलाने की कोशिश करी, जो बहुत बड़े पैमाने पे कामयाब हुआ। उसकी वजह से ही स्कूल चले और हमें बहुत सी शिक्षा के जो हमारे लिए दरवाजे खुले, जिसमें आकर बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब आते हैं, कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को भी, मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को भी ब्राह्मणों ने मैनेज कर लिया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर नहीं होते। जैसे आप कहो कि जब वो पहली बार लंदन से पढ़ लिख कर आए हैं अमेरिका से, तो वो बड़ौदा में गए नौकरी करने के लिए, तो उनको रहने के लिए घर नहीं मिला, किसी ने उनकी इज्जत नहीं करी। इतना पढ़ा लिखा, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होने के बावजूद भी, अगर मैं समझता हूं कि अगर सयाजी गायकवाड़ बाबा साहब अम्बेडकर को एक गाड़ी दे देते, एक नौकर दे देते, एक बंगला दे देते, जो आज बहुत से हमारे लोगों के पास पर्याप्त है, तो बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बनते। तो सयाजी गायकवाड़ ने ये योजना बनाकर उनको धकेल दिया समाज में, कि जाओ देखो कि तेरे समाज के साथ क्या हो रहा है। तो आप सब जानते हैं कि भाई बाबा साहब का सामान आधी रात को निकाल के पारसीन से बाहर फेंक दिया गया, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो वहां बैठकर बाबा साहब सोचते हैं कि भाई ज्योतिराव फूले, जिनको मैं अपना गुरु मानता था, वो तो कहते थे कि विद्या बिना मती गई, कि हमें विद्या नहीं थी हमारे पास, तो इसलिए हमारा जे हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। लेकिन आज मेरे पास भारत की सबसे उच्च शिक्षा है, लेकिन ये न्याय तो फिर भी नहीं रुका। तो उसके लिए वहां जब वो बैठ के विचार कर रहे हैं, तो इस नतीजे पे आते हैं। मैं एक यहाँ एक बार कई बार इस पे सोचता हूँ कि वहां जब बाबा साहब इस पे डीप थॉट में जाते हैं, तो जैसे भगवान बुद्ध को मार ने एक बार अटैक किया होगा कि भाई डिस्टर्ब करने के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ होगा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर तू क्यों बैठ के यहाँ क्या सोच रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहा ने कहा होगा कि भाई मैं इससे जे व्यवस्था जिसने मेरी आज इतनी बेइज्जती करी, इतनी इंसल्ट करी, इतना मुझे ह्यूमिलिएट किया, मैं इसके साथ लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। तो मार ने कहा होगा तू एक आदमी कैसे लड़ाई लड़ेगा, तेरे समाज के लोग तो सारे अनपढ़ हैं, वो गरीब हैं और वो बिखरे हुए हैं, ये सारे सवाल आए होंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वहाँ फैसला किया होगा कि मैं अपने समाज के लोगों को आवाज दूंगा, अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे करूंगा, अगर वो बिखरे हुए हैं तो उनको इकट्ठे करूंगा, और अगर वो पीछे रह गए हैं तो मैं फॉरवर्ड लाने के लिए हर अधिकार उनके लिए की लड़ाई लड़ूंगा। तो वहां बैठकर बाबा साहब को ये महसूस हुआ होगा कि संघ जब तक मैं नहीं बनाऊंगा, जब तक लोगों को साथ जागृत करके अपने नहीं लाऊंगा, मैं अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो उसके बाद आप देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने टाइम टू टाइम कई संगठन बनाए। पहले उन्होंने मूकनायक पेपर निकाला, उसके साथ उसमें सारी कहानियां बाबा साहब खुद लिखते और खुद लिखकर बस्तियों में लेकर जाते और उनको पढ़ के सुनाते कि देखो देखो अखबार में क्या लिख के आया, ताकि लोगों के अंदर एक विचार पैदा हो जाए। क्योंकि लड़ने के लिए एक विचार चाहिए और दूसरा
एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, तीसरा चाहिए साहस। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अंदर एक ऊर्जा झोंकी, जिसकी वजह से हम इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर हमने महातलाव का जो बहुत बड़ा एक सत्याग्रह किया, मनु स्मृति को जलाने का सत्याग्रह किया, और फिर कालाराम मंदिर का एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया। इसके लिए बाबा साहब ने लोगों को तैयार करके जो संघ बनाया, जो लोग उनके साथ आए, उन्हीं का सहारा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे मनुवाद को घेरना चाहा। और इसी जोश को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को 1930-31-2 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जगह मिले। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हम इकट्ठे हुए हैं, उसका जो नतीजा निकला है हमेशा हमारे फेवर में गया है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर लंदन नहीं जाते, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लोगों की, उनको इंटरनेशनलाइज नहीं करते और अंग्रेजों को नहीं समझाते, तो हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता। तो कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि इनको कोई अधिकार ना मिले, लेकिन फिर भी बाबा साहब के प्रयास से हमें अधिकार मिले। इतने अधिकार मिले कि 1942 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में एक डिप्रेस्ड क्लासेस की, जो उन्होंने एक बड़ा संघ बनाया हुआ था, उसकी मीटिंग बुलाई और उसको ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट के संघ में तब्दील किया, तो इससे तक उसमें 75,000 लोग उसमें आए, 25,000 लेडीज आई और 50,000 पुरुष आए। इतनी बड़े संघ की ताकत को देखकर बाबा साहब अम्बेडकर को वायसराय ने अपनी कैबिनेट में बुलाया और उसको मंत्री बनाया। तो फिर हम इसको देख सकते हैं कि संघ की ताकत होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार महाराजा अशोक के बाद पहली बार किसी समन को राजसत्ता में जाकर बैठने का हक मिला। तो इसी को अगर हम आगे आज लेके आते हैं कि अगर हम इकट्ठे रहते, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में हमें बुद्ध धर्म दिया ताकि हम जातियों से आजाद होकर एक बड़े संघ को, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना के या संघ बना के हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। हम इकट्ठे नहीं रहे, हम जातियों में चले गए, हमने तरह तरह के संगठन बना के लेफ्ट एंड राइट करके हम अपनी अपनी डफली बजाते रहे, जिसकी वजह से और सारे अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें लेके दिए थे संविधान में, वो धीरे धीरे अब हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के पास कोई भी अधिकार बचने वाला नहीं है। इसका ये है, बाबा साहब तो ये सोचते थे कि अगर मैं बुद्ध धर्म इनको दूंगा तो बुद्ध धर्म में जैसे ये ऊंच नीच जो ब्राह्मण मनुवाद ने हमारे समाज के अंदर सेट करी हुई है, इस ऊंच नीच को छोड़कर लोग इसमें आएंगे, जैसे एक समुन्दर में नदियां नाले गंदे मंदे सब आके मिलते हैं तो वो अपनी पहचान खो देते हैं और एक सागर का रूप ले लेते हैं और एक विशाल शक्ति बन जाते हैं। तो ऐसे ही जब अकेली अकेली जाति अगर मेरे संघ में आकर, मेरे धम्म में आकर लीन हो जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, तो इनकी ये जातियों की पहचान दूर हो जाएगी, ये एक दूसरे से अलग रहना और ऊंच नीच की भावना दूर हो जाएगी, और ये अपने ऊर्जा को भी संभालेंगे और अपनी ऊर्जा के बलबूते पे, अपने इस संघ की ताकत के बलबूते पे अपने अधिकारों को भी संभालेंगे, संविधान को भी संभालेंगे, और इस संविधान की ताकत से जो कुछ भी हमें मिला है उसका सहारा लेकर हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम भारत पे राज करेंगे। ये बाबा साहब की एक धारणा थी संघ के बारे में, जो मैं समझता हूँ। अगर वो आप हम फेल हो गए इसमें, बहुत से हमारे संगठन हैं, मैं तो देखता हूँ इवन व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, जहां भी आप नजर मारो, इतने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने संगठन हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उस संविधान को बचाने का कोई काम नहीं कर रहा। और हमारी मुट्ठी से संविधान में सारे जो दिए हुए अधिकार हैं
वो मुट्ठी से रेत की तरह निकलते जा रहे हैं, हम उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है भारत में, तो वो है हमें सबको इकट्ठे होने की, इकट्ठे होकर अपनी ताकत बनाने की और उस ताकत के इस्तेमाल से अपने अधिकारों को बचाने की। और संघ की तो जो इनके जो नियम है वो तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं कि हम कोई किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम किसी को माइक नहीं देंगे। मैंने तो जीवन में बहुत बहुत बड़ी फंक्शनें देखी हैं और बहुत बहुत बड़ी माइकों के ऊपर भी शोर में जाके देखा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आज मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों के बीच में बैठकर जे मेरी बात करोड़ों लोगों तक जा रही है, लेकिन कोई माइक नहीं है, कोई फूल माला नहीं है, कोई औहदा नहीं है मेरे पास, उसके बावजूद भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी बात मैं भी सुनूंगा, मिल मिला के हमारी जो भी प्रॉब्लम आज तक रही हैं उनको हम दूर कर हम आगे बढ़ेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ेंगे, और जैसे बाबा साहब जीते थे हम भी जीतेंगे, जैसे ज्योतिराव फूले जीते थे हम भी जीतेंगे, जैसे महान बुद्ध एक बार समय मनुवाद के ऊपर हावी हुए थे हम भी फिर हावी होंगे। जुड़िए, जोड़िए, सिर्फ जुड़िए और जोड़िए ही नहीं, जुड़े रहिए भी। ऐसा नहीं कि एक दिन जुड़ जाइए और दूसरे दिन भाग जाइए, हमें जुड़ना है, जोड़ना है और जुड़े रहना है। जिस दिन हमने इस मंत्र को अपना लिया हमारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय एवरीबॉडी। जय भीम नमो बुद्धाय सर, कैसे हैं सर आप? जय भीम नमो बुद्धाय। आप सुना कैसे हैं? आपको देखकर तो चेहरे पे ना चाहते हुए भी खुशी आ जाती है। बुद्धाय सभी को। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम सभी को। कैसे हैं आप सभी? जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज भी सुन लेते तो भी सबकी बस खनक बदल जाती है आवाज की। जी जी जी। बस संघ के नाम से ही सब में एनर्जी आ जाती है सर। बिल्कुल 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 सर। ये कुछ लोग जब लिंक भेजा तो कहने लगे ये शुभ क्या चीज है, शुभ शनिवार क्या है? देखिए सभी लोगों का, जैसे क्रिश्चियन जो हैं वो चर्च में मिलते हैं संडे को, मुसलमान मिलते हैं फ्राइडे अपनी मस्जिद में, सिख मिलते हैं अपनी गुरुद्वारा में, तो ऐसे ही हमारे जो पूर्व थे वो शनिवार को मिला करते थे, तो इसलिए इसको बहुत शुभ दिन माना जाता था, क्योंकि हम सारा अपना दुख सुख जो कुछ भी हमारी समस्याएं थी उनको उनके ऊपर विचार करते थे, फिर उनका सलूशन भी निकालते थे, तो इसलिए हमारे लिए शुभ है। बाकी इसकी डिटेल मैं कभी ज्यादा जानता नहीं, जानी नहीं मैंने चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने लर्नड पीपल हैं तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की, वो सुधीर जी खुद ही बता देते हैं पिछले 10 महीने से एक एक आदमी को कैसे समझा रहे हैं, जैसे एक प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है। एक्चुअली लोगों की टेंडेंसी है ना बाल की खाल निकालने, मतलब निगेटिविटी ढूंढने की। अब वो कहते थे शुभ का मतलब क्या, ये मनुवादी शब्द है, लोगों का प्रश्न था शुभ पर, तो मैंने कहा आप लोगों से पहले शुभ तो हर एक के लिए शुभ है, वो हम मनुवादियों के लिए क्यों शुभ है, हम हमारे लिए भी शुभ है, शुभ का शुभ तो शुभ है, लेकिन ये है कि हम जिसको अब आपके संग में नहीं आना या ये काम नहीं करना, बाबा साहब के मिशन से नहीं जुड़ना या नहीं कुछ सीखना, जी सर, वो एक एक चीज जरूर करते हैं, वो बहानाबाजी जरूर करते हैं, जैसे आपने कहा कि वे बाल की खाल उतारते हैं तो वो बाल की खाल जरूर उतारते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम सालों 20 सालों भी उनको समझाते रहे तो भी वो बाल की खाल ही निकालते रहेंगे, इससे आगे बढ़ने वाले नहीं है। वरना बाबा साहब का मिशन तो इतना सिंपल और इतना साधारण है कि एक बार जो बाबा साहब के जीवन को पढ़ लेता है ना, वो कभी बाबा साहब के इधर उधर सोचना भी मूर्खता समझता है।
लेकिन 70 साल हो गए हैं, बाबा साहब को गए हुए भी देखो कितने साल हो गए हैं, तो हमारे लोग आज भी बाबा साहब के ऊपर सवाल कर रहे हैं। जिन लोगों को बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिन लोगों को बाबा साहब ने बोलने का अधिकार दिया, हमारे पास जबान तो थी, कुदरत ने हमें जबान बख्शी थी, लेकिन मनुवाद ने हमारी जबान पे ऊपर ताला लगा रखा था, हम बोल नहीं सकते थे, अपनी वेदना भी नहीं कह सकते थे। आज वो लोग बाबा साहब के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पढ़ के लिख के सीख के, कि क्या बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ किया है। कितना दुख होता है ऐसी ऐसी बातें, ऐसी मूर्खों जैसी बातें, कई बार तो गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, लोग हमारे ऐसे ही हैं लोग, नहीं तो वरना हमें हर रोज मीटिंगें क्यों करनी पड़ती। हम भी अपना ये 3-4 घंटे का जो समय है वो कहीं आनंद से गुजार लिया होता। खास करके मेरे जैसे लोगों को, जिन मेरी तो सारी उम्र ही बीत गई 18-18, 16-16 घंटे डेली काम करते हुए, ताकि मैं अपनी जड़ पक्की लगा सकूं, अपने मिशन में बाबा साहब के प्रति जितना मैं चाहता हूं उतना योगदान डाल सकूं। अब समय आया कि भाई रिटायर होके मैं घूमना फिरना शुरू करूं, तो एक तो कोरोना ने मार दिया, ऊपर से दूसरा ये संविधान की प्रॉब्लम्स ने मुझे फिर रोक लिया है कि नहीं तुझे और अभी काम करना है। तो मैं किसी के कहने के ऊपर नहीं, अपनी इच्छा से आता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है कि मैं कई जन्म लेकर भी उतारना चाहूँ तो नहीं उतारूँ। जब मैं अपने माँ बाप को देखता हूँ और जब मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने बच्चों को देखता हूँ, तो 2-3 पीढ़ियों में जो अंतर आया है और मुझे कहाँ से कहाँ तक जाने का मौका मिला, तो मुझे बस एक ही बाबा साहब अम्बेडकर ही आते हैं, बस एक ही मसीहा है जिसने ये सारा पॉसिबल कर दिया। इसलिए मैं लेफ्ट राइट देखता नहीं हूँ, बस एक ही तरफ देखता हूँ, वो बाबा साहब अम्बेडकर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप सुनाओ कैसे हैं सब लोग? सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर साहब कब आ रहे इंडिया में? अबे जब पुकारोगे आ जाऊंगा, मुझे कौन सा कोई दिक्कत तो है नहीं, नाम नागपुर नागपुर आइए सर, नागपुर नागपुर देखता हूँ, मैं प्लानिंग करता हूँ। मेरे बहुत से काम रुके हुए हैं इंडिया में, ये कोरोना की होने की वजह से जी जी मैं 2.5 साल से इंडिया नहीं आया। अब मैं सोचता हूँ एक बार फिर शुरू हो जाऊं तो 4-5 बार 1 साल में 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार भी आ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। जय भीम नमो बुद्धाय सर सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम। जय भीम। जो ये बात आप कह रहे हो बाबा साहब के लिए, थोड़ा सा हमें कई बार जैसे पीछे बात हुई थी कि साहब काशीराम जी और उसके साथ दीना बाना जी की बात है, उस पे हम इतने बंटे रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसमें ये सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि बाबा साहब है सर, कुछ ऐसे लोग भी है जैसे सरदार पटेल को मानने वाले हैं जी, वो भी वो बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं इनकी छोटी सी बात पे कि उन्होंने खिड़की दरवाजे बंद करने वाली बात कही, उसके बाद लेकिन फाइनली उन्होंने सब हेल्प की उनको करने के लिए, तो कोई इतनी सी बात के लिए उनके उनकी इतनी बुराइयां करने पे तुले होते हैं वो। तो इसी तरह ये कई बार टाइम टू टाइम कुछ कोई आदमी, आज हम किस लेवल पे क्या बात सोच है हमारी, 5-10 साल बाद भी हमारे हमें पता चलता है कि वो बात गलत थी। हो सकता है सरदार पटेल ने उस टाइम जो कहा वो बाद में उसे भी लगा होगा उन्हें भी। तो इस तरह की चीजों को हम काफी वो करके डिफरेंसेस वो कर देते हैं, तो हमें उन बातों को भूल के कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन्होंने ओवरऑल जो कुछ किया, ठीक है गलतियां सारे करते हैं, तो उन सबको मिला के चले तो थोड़ा बेटर रहता है। नहीं तो ये ना कई काफी बातें होती है, कई बार उनके रिएक्शन जब सुनते हैं तो इस तरह की बातें भी आती है थोड़ी, तो हमें थोड़ा सा ठीक है मतलब चाहे किसी ने थोड़ा किया हो
लेकिन वो मिलजुल के हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसको इतना एक छोटी सी गलती को हम इतना करके पेश करने में हम बंटते बहुत है उसमें। सत्य प्रकाश जी, हम एक्चुअली रियलिटी को जानते नहीं है कि राजनीति में जिसको राजनीति हम कहते हैं वो ऐसी नीति है जो आम आदमी को राजा बनाती है, जिसने कभी सपना नहीं लिया उसको भी राजा बनाती है, इसलिए इसको राजनीति कहते हैं। जी सर। तो राजनीति में बहुत दाव पे खेलने पड़ते हैं, किसी का साथ लेना पड़ता है, किसी को साथ देना पड़ता है, किसी के साथ लड़ना पड़ता है, किसी को अपना बनाना पड़ता है, तो ये होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे पास जो एजुकेशन है वो एजुकेशन इस लेवल की नहीं है कि हम इन दाव पेच को समझ सकें, जहाँ उनसे लाभ ले सकें। इसीलिए जे अभी जब पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर बने थे चरणजीत चन्नी सिंह जी, तो मैंने उनको बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया कि भाई ये चरणजीत चन्नी सिंह जी अभी चाहे कांग्रेस ने अपनी मजबूरी से बनाया उनको या अपनी लुटिया डूबने से बचाने के लिए, लेकिन बनाया है। अब वो बना हुआ है, उसकी सत्ता से हम क्या हासिल कर सकते हैं, उसकी ताकत से, उसकी पोजीशन से हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, कितना, इसकी तरफ देखो ना। ये मत देखो कि भाई बाबा साहब ने तो कहा था कि कांग्रेस बर्निंग हाउस है, तो अब मैंने कहा ऐसे ही करते रहोगे तो अब तो कभी भी कोई आपको साथ नहीं लेके चलेगा ऐसी। तो ये हमारे लोगों की मैं समझता हूँ विद्या में थोड़ी कमी है, क्योंकि हमें जिस लेवल की विद्या हासिल करनी चाहिए थी वो विद्या हमने हासिल करी नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के, खास करके बामशेफ के लोगों को से भी मुझे बहुत इतराज रहता है। जब मैं पहली बार बामशेफ से जुड़ा था तो ये चार पांच जो महापुरुष थे उनके फिगर हेड लगाया करते थे अपने पॉम्फ्लेट्स के ऊपर भी और बैनर्स के ऊपर भी, छत्रपति शिवाजी शाहू जी, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, शाहू जी महाराज थे, बाबा साहब ज्योतिराव फूले थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो ये मैंने इनको पहली बार सजेस्ट किया कि भाई आप लोग थोड़ा जो हमारे संत हैं उनकी तरफ भी ध्यान दो, आप कबीर को भी लगाओ, आप नानक को भी लगाओ, आप रविदास जी को भी लगाओ। तो उन्होंने धीरे धीरे इन लोगों को इंटर करना हुआ। आज हालत ये है कि उनके बैनर ऊपर जितनी कास्ट हैं मोस्टली काम करने वाली सारियों के फिगर हेड लगे हुए हैं, और वो हम फिगर हेड्स के जो हमारी कास्ट है उसकी बात हम ज्यादा वहां करते हैं, और ब्राह्मण ने हमें क्यों प्रॉब्लम करी उसकी ज्यादा बात करते हैं। हम मिलके क्या कर सकते हैं, हम सारी जो कास्ट मिलके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसकी बात बहुत कम करते हैं। इसीलिए हमारा जो सत्यानाश है उसका कारण यही है कि हम दूसरों की बुराइयों को तो देखते हैं लेकिन अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं हमारे हम उसकी तरफ नहीं देखते। अगर हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी विफलता को समझ लें और उसको दूर कर लें तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम शोर मचाते रहते हैं 85% है 85% है, लेकिन कहाँ 85% है, हम 85% है, 85 डिफरेंट डायरेक्शंस में हम काम कर रहे हैं, 85 संगठनों में डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो कहाँ जाकर हम इकट्ठे अपनी ताकत पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे। यही कारण हो रहा है। और इसका लाभ जो लोग वोट की कीमत को समझते हैं, एजुकेशन की कीमत को समझते हैं, बाबा साहब की कंट्रीब्यूशन को समझते हैं और बाबा साहब कैसे तब्दीली लानी चाहते थे, उन्होंने वो सारे जो रास्ते थे हमारे लिए बंद कर दिए ताकि हम उससे बेनिफिट ना ले सके। और मेरे लोगों को ना समझ होने की वजह से मैं किसी की निंदा नहीं करता, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे अंदर वो जागृति समझ लो, जहाँ वो एजुकेशन कि ना होने की वजह से हम बहुत नुकसान उठा लिया, हमने बहुत हम पीछे चले गए। मुझे लगता है कि भाई आज समन संघ के लोग जिस ताकत से जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और अभी 10 महीने हो गए, मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ हर एक साथी को जिसने भी इसमें अपना योगदान दिया है कि आप धन्य हैं, आप
बधाई के पात्र है कि 10 महीने किसी भी संघ के जीवन में रोजाना मीटिंग करते हुए आना और पूरे हो जाना, ये बहुत गर्व की बात है। मैं भी करता हूँ, आप लोगों को भी इस पे करना चाहिए। अब बस यही है कि हम कहाँ रॉन्ग हो गए, हम कहाँ गलत हो गए, हम कैसे उसको सुधार सकते हैं। अगर हम उन कमजोरियों को दूर करते जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी चीज से डरना चाहिए। बहुत कुछ हमारे से लूट गया, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। अगर यही बचा लिया हमने, तो भी हम कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो आप लोगों के बीच में जब आता हूँ तो बात करता हूँ, तो रुकने का भी मुझे लगता नहीं कि भाई और भी लोग हैं, उनको भी बोलना है, मैं रुक जाऊं। तो सत्यप्रकाश जी, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और आपके हवाले करता हूँ, आप संभालिए। सर थैंक यू। मेरा सिर्फ इतना सा कहना था कि ब्रॉड माइंडनेस हो, हम नैरो माइंडनेस से बाहर निकलें, बस ज्यादा बात। आपने जो बात आगे कंटिन्यू करें, आपने जो बात कही है वो 100% सही है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर लिए दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान भी बंद किए थे, उन्हीं की छाती के ऊपर पांव रख के बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए, तो ये क्या कम है? हम उस पॉजिटिव एक्शन को नहीं देखते जो हुआ, जो जो उन्होंने किया उसको उभारते रहते हैं, उनको प्रमोट करते रहते हैं। अपने महापुरुखों की जो ताकत है उसको हम रियलाइज नहीं करते, यही एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर जब बाबा साहब इवन 1952 में भी जब बाबा साहब इलेक्शन हार जाते हैं, तो उसको बाद में भी राज्यसभा में लाने वाली भी तो यही कांग्रेस थी। तो जो कुछ भी काम बाबा साहब को के हाथ से करवा पाए, वो भी तो कांग्रेस की वजह से ही हो पाया। अगर कांग्रेस चाहती, अड़ जाती, तो सब कुछ सत्यानाश हो जाता, हमारे लिए कुछ भी नहीं बनता। तो हमें वो चीजें इतिहास से पॉजिटिव लेनी है जो हमारे हक में है, जो हमारे पुरखों ने करी है, हमारे लिए करी है। इसीलिए ये मुझे दुख होता है, कई बार दीना बाना जी का भी कह रहे हैं, हम दीना बाना जी दिल्ली से ट्रेन में बैठ के आगरा बाबा साहब का लेक्चर सुनने के लिए गए, और लेक्चर सुनने के लिए गए और वहां एक लेक्चर सुना कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, मेरे मिशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसी का सहारा लेकर आप बाबा साहब अपने दीना भाना ने पूना में जब सफाई कर्मचारी योग का प्रेसिडेंट था, तो उसके सामने जो एक सर्कुलर आया, ऑडियंस आया कि भाई इसके ऊपर साइन करने हैं, उसने जब देखा तो उसने देखा भाई सभी के लिए छुट्टियां हैं जहां, तो मैं तो जिन लोगों को मैं मसीहा मानता हूं, जिनकी वजह से मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, घूमने फिरने का अधिकार मिला, अच्छे कपड़े सब कुछ मिला, उसके लिए तो छुट्टी नहीं है। तो वहां से ये समस्या खड़ी हुई कि वहां पढ़े लिखे कांशीराम जी भी वहां थे, पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे। डीके खापड़े जी भी वहां थे, वो भी पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आया, दीना भाना जी को वही बात बाबा साहब की एक सुनी हुई बात को उसने ऐसा दिमाग में रखा हुआ था कि उसने उस ऑडियंस पे साइन करने से इनकार कर दिया। कहा जब तक तुम दो छुट्टियां, एक बाबा साहब अम्बेडकर की और दूसरी भगवान बुद्ध की छुट्टियां नहीं करोगे, मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा। जिसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये लंबी लड़ाई है, सस्पेंड कर दिया गया, लड़ाई हुई और फिर मानवर कांशीराम जी इसमें कूदे, फिर डी के खापड़े जी कूदे, तो वो लड़ाई की को एक दिशा मिल सकी और एक सेटिस्फेक्शन मिल सकी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़े लिखे होकर ही समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको अपने मान सम्मान के साथ जोड़कर देखें, अगर आप अपने इतिहास के साथ जोड़ देखें कि मेरी माँ ने क्या गलती करी थी, मेरे बाप ने क्या गलती करी थी कि वो पशुओं जैसा जीवन जीते रहे, और बाबा साहब ने क्या वरदान दिया कि हमारे दिन बदल गए, तो कोई बहुत बड़ी नाप तोल करने की जरूरत नहीं है।
तो दीना भाना जी को भी आज मैं देख रहा हूं कि लोग अपनी अपनी जाति में खींच के, अगर कोई सॉरी मैं चमार कहना नहीं चाहता, जिस रबदासिया कम्युनिटी में पैदा होता तो वो रबदासिया कम्युनिटी के सारे लोग उसका डंका बजाते रहते हैं, वाल्मीकि में कोई पैदा हो गया। हालांकि सबसे ज्यादा विरोध करने वाला वाल्मीकि का दीना भाना जी था, जितना मैंने उसके साथ समय गुजारा, बहुत समय गुजारा। और वो तो वो अपने आप को भंगी कहता था कि मैं भंगी मैं राजस्थान का भंगी हूं, और भंगी वैसा भंगी हूं जिसने मेरे पुरखों ने ब्राह्मणों की व्यवस्था को भंग करने के लिए सारा जीवन लगा दिया, जिसकी वजह से हमें गंदे से गंदे पेशे दिए गए, जिसकी वजह से हमें हमारे साथ जितना दुर्व्यवहार हो सकता था हुआ, लेकिन हम झुके नहीं, रुके नहीं, हम डरे नहीं, हम आज भी डटे हुए हैं। और मैं उन्हीं की औलाद आज भी डटा हुआ हूँ, बाबा साहब की छुट्टी लेकर मानूंगा। तो वो छुट्टी मंजूर हुई, तो वहां से जो बामशेफ का जो था संगठन का संकल्प पैदा हुआ कि भाई अगर हमारे पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो आम लोगों के साथ तो बहुत बुरा होता होगा, तो हमें इस पे काम करना चाहिए। बामशेफ की स्थापना हुई, बामशेफ का एक कंसेप्ट बना कि हम 85% लोगों को इकट्ठा करेंगे। हम पहले उन्होंने कहा था कि हम कर्मचारियों को इकट्ठे कराएंगे, क्योंकि पैसा तो उनके ही पास ही होता था और किसी के पास तो पैसा नहीं था, ताकि पैसा मिलेगा। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं देखता हूँ दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि भाई जिन लोगों ने 6,743 जातियों को इकट्ठा करने की शपथ ली थी, संकल्प लिया था, बाबा साहब के सामने प्रण लिया था, वो ही कभी मुझे ये कहा करते थे कि ना तो हम राजनीतिक हैं और ना हम धार्मिक हैं, हम तो समाज को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आज मैं देखता हूं कि जितने भी मेरे साथ वो जिनके साथ मैं जुड़ा था बामशेफ में, वो सारे के सारे आज छोटी छोटी बड़ी बड़ियां राजनीतिक पार्टियां बनाने के बनाकर अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। तो भाड़ में गया बाबा साहब का सामाजिक आंदोलन, लोगों को इकट्ठा करने का, जातियों को इकट्ठा करने का। तो ये एक दुख भरी कहानी है। मैं आज इंटरनेशनल लोगों का दिन है, मैं चाहता नहीं कि मैं ही बोलता रहूं, तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय बैल सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय बैल सर। जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हैं? हमारे साथ बहुत बढ़िया सर, आपको बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ सर, आपकी बातें बिल्कुल दिल में उतर जाती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। जय भीम नमो बुद्धाय। बहन जी कंचनलता जी, आज कौन कर रहा है भाई? कोई भी आज बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा। कुमार जी का हैंडेज था। अब लाइए, आप संभालिए इसको। उसके बाद हमारे साथ धर्म महे भी जुड़े हुए हैं, रवि अंबेडकर भी जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क से। तो हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ रवि जी आ गए हैं, रवि महे साहब। दो महे है, मेरा ख्याल कन्फ्यूजन हो गया दो महेज में। धर्मपाल मेरे साडे सीनियर है, तो मैं चाहूँ तो धर्मचंद मेहर जी सांबे तो बढ़िया बात है जी। तो हाँ, तो सभी को जय भीम नव बधाई। तो मैं न्यूयॉर्क से अब हो रहा हूँ, तो आपको देखकर और मिलकर काफी खुशी होती है जब बीदी पीपल समर संग में जुड़ते हैं और हम सुनते रहते हैं, तो हम जानना चाहते कि कैसे लोगों को जोड़े और जोड़ने के लिए अच्छा प्रयास है। इसके इस भाई मेरा ख्याल कोई और प्रयास नहीं होगा और अच्छा प्रयास कोई नहीं हो सकता। हम लोग भी जहाँ पर NRI होने के नाते हम भी जहाँ पर जोड़ रहे हैं, जहाँ पर एक मीटिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम 13 को ही करें जहाँ पर भी, तो फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और फिर नेशन वाइज और इंटरनेशनल हम लोग दूसरे से बात करके हम इस ग्रुप में लेकर आएंगे और आप जैसा ही हम NRI का एक ग्रुप अच्छा सा बना लेंगे। मुझे आशा है कि जल्दी ही हम लोग NRI के ऊपर सभी साथी जो बाहर के हैं, कनाडा या
यूएसए, इटली और फ्रांस के सभी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इकट्ठे हो पाएंगे। तो अच्छा प्रयास है। तो हम लोग पंजाब में भी जो 13 तारीख की मीटिंग है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जेकर उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। तो पंजाब सूबा ऐसा जब पहले समझते काम है, जब समझते हैं तो फिर पीछे नहीं मुड़ते, तो समझने की थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसको, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसे बैल साहब जी ने माननीय कांशी राम जी के बारे में बोला, देखो कितनी उम्र हो गई थी, बीएससी भी कर लिया और सब कुछ करने के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नहीं मालूम हुआ, जबकि रिपब्लिकन और ऐसे वैसे हमारे वहां पर पहले भी चलती रही है। 1969 तक हमारे काफी बोलबाला रहा पंजाब में, पर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं। अभी भी ऐसे एक अभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं ज्यादा ना कहूँ तो 50% लोगों को ही मालूम है पंजाब में इधर, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है और बॉर्डर एरिया के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर बहुत कम लोगों को मालूम है। तो स्कूल में तो अभी भी बहुत कम पढ़ाया जाता है, पहले भी कम पढ़ाते थे, अब भी कम पढ़ाया जाता है कि क्योंकि हमारी एकता नहीं है। जब एकता होगी तब भी हम लोग एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगे, एजुकेशन के ऊपर काम कर पाएंगे कि उसको बोलेंगे कि इसके बारे में जरूर पाठशाला में पढ़ाए। तो वैसे एक बात जरूर माननी पड़ेगी, जब माननीय कांशी राम जी आए के तब भी हम हमें जाग लगी, हम उससे ही सीखे। 1981 के बाद ही हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मालूम हुआ, और जब हमने हाई स्कूल करने वाले थे तभी उसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानना स्टार्ट किया और उसके बारे में मालूम हुआ जी। और ना कहें थे माननीय कांशी राम जी ने पंजाब में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फिर से जगाया और फिर से लोगों के मुंह में लेकर आए और उसको जाने का टाइम मिला। तो उसके साथ ही जैसे वेल साहब ने बोला कि दीना पाना जी ने जो हमारे जैसे अनपढ़ थे तो इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो साहब कांशी राम जी को उन लोगों ने काफी उसके ऊपर जाने के लिए उसको ऊपर तैयार किया। और हम चाहते कि आप लोग पंजाब में भी एक मीटिंग एक महीने में जरूर करें और हम अरेंजमेंट भी करते जाएंगे और हम भी आपके साथ हैं, तो समर साम का और उन लोगों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि हमें इकट्ठे ही होना है, इकट्ठे होने के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। जितने मर्जी संगठन बना लें, जितने मर्जी पॉलिटिकल पार्टी बना लें और जितने बड़े चमचे मर्जी बन जाएं, और चमचे बनने से काम नहीं चलेगा। चमचे तो बहुत देर से बनते आ रहे हैं, पर अब काम करना होगा, एक साथ जुड़ना होगा, जुड़ने के सिवाय हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हम भी प्रयास करेंगे जितना भी कर सकें, और आप भी पंजाब में जाते रहिए और वहां पर काम कीजिए तो बढ़िया बात है। हम जहां पर NRI होने के नाते बाहर ही काम करते जाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ, तो हम धर्मचंद जी को ही बोलेंगे कि वो ही कवर करें। तो जय भीम नौ बधाई। जय भीम नौ बधाई। आइए धर्मचंद मेह साहब आपको बुला रहे हैं। चलो जय भीम नौ बधाई। जय भीम नौ बधाई। सबसे पहले तो मैं भैर साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे टेलीफोन किया, उसके बाद मैंने किया, लेकिन आपकी बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने अटैक्ट किया था आपको। वी द पीपल के साथ जो हमारा रिश्ता है ये अटूट है, ये टूटने वाला नहीं है। यहाँ आकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ कहने को मिलता है। आज बात हो रही है दीना बाना की, पहले मैं ये बता दूं कि तकरीबन 3 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जब आपने मुझे फोन किया तो मैं हॉस्पिटल में था, मैं कल रात लेट आया हूं घर, तो इसलिए मैं पिछले कुछ 4 वीक से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। सॉरी टू हियर दैट। आप ठीक हैं? आप अभी कुछ थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी इतना नहीं हूं मैं। आपकी ये हौसला अफजाई है जिसकी वजह से मैं आज बात करने के लिए मैंने हिम्मत की है, वरना मुझे बैठ नहीं होना चाहिए था भी। तो धन्यवाद, साधुवाद। हाँ, सही मुद्दे पे बातें, जो दीना भाना की जो बात है वो एक ऐसी मिसाल है, वो शख्स अभी वो दुनिया में नहीं रहे,
कांशीराम जी को साहब कांशीराम बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ। अगर दीना भाना जी कांशीराम जी को अपनी मूवमेंट में, अपनी बात में शामिल नहीं करते तो जो आज साहब कांशीराम है, शायद वो कांशीराम आज वाले नहीं होते। तो ये तो एक क्याफा है, लेकिन जो ऐसे जो शख्स होते हैं ये किसी भी समाज में कोई कोई होता है जो इतनी बड़ी बात को इतने बड़े लेवल तक लेकर जा सकता है। हम सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग और तैयार हम कर पाए, लेकिन मैं समझता हूँ जो ऐसे लोग होते हैं वो खुद ही तैयार होते हैं। जैसे हम सभी जितना भी कोई काम कर सकता है, सभी लोग काम करते हैं आप अपनी जगह पर, जितनी भी किसी की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम हमसे ज्यादा करते हैं उनको हमको रेकोगनाइज करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनका नाम हमको बार बार लेना चाहिए। हम बाबा साहब की जो प्राप्तियां हमको बाबा साहब ने लेकर दी, जो बाबा साहब को किसी ने सिखाया नहीं, मैं समझता हूँ जो वो अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से जो उन्होंने पाया, उन्होंने एहसास किया कि हमको इस ये जो लड़ाई है हमारी सदियों की तैयारी, इसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने पूरी जिंदगी उस फाइट को, उस जदोजहद को जारी किया और हमको एजुकेशन का अधिकार, वोट का अधिकार, जीने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार और बात करने का अधिकार हमको बाबा साहब ने दिलाया। इसलिए हमको बाबा साहब को बार बार नमस्कार करना चाहिए, जितनी बार भी हो सके, क्योंकि जब हम नमस्कार करते हैं तो हमको बाबा साहब याद आते हैं वो क्या करते हैं। तो हमको एक एनकरेजमेंट भी मिलती है कि बाबा साहब इतना काम किया, हम भी उस तरफ चलें तो उतना ही करें, उतना अगर हम सोचेंगे उतना करना है तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम अपने बुजुर्गों का, अपने उन साथियों का साथ नहीं देंगे, उन साथियों का नाम नहीं लेंगे तो हमको हमारी जो जिम्मेवारी है वो याद नहीं आती। इसलिए जो दीना भाना है उन्हें हमें याद करना चाहिए, रोज याद करना चाहिए, हमको कोई ना कोई बात उनकी करनी चाहिए लोगों में, तो हम तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं शायद मैं बहुत ज्यादा देर मीटिंग में नहीं रह पाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो अभी मैं शायद थोड़ा थोड़ा देर मीटिंग में, हर मीटिंग में आता रहूंगा। तो बाकी एक बार फिर मैं बहल साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एनकरेज। और ओसराज जी, हाँ सर आइए जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे ढंग से सभी को टाइम दे रहे हो, इंट्रोडक्शन ले रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। तो मैं आज के लिए जो एक माफी चाहूंगा कि मुझे जाना पड़ेगा कुछ मिनटों में, एक और मीटिंग है, उसमें 9:30 के करीब वो शुरू हो रही है इंडिया में, तो उसके लिए मुझे जूम मीटिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जितना भी लंबा जुड़ सकूं। तो अगर एक बात मैं आज आपके साथ वो शेयर करनी चाहता हूं जो मेरे जहन में आई है, कितने दिनों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे पता है कि हम सभी लोग जितने भी जहां जहां भी हैं, वी द पीपल समन संघ के लोग, हम मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, अपने साथियों के साथ कांटेक्ट रखते हैं, बातें करते हैं, अपनी मूवमेंट की बात करते हैं, समन संघ की बात करते हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो रह जाती हैं, जो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि मैं सिर्फ एक वीकेंड पर ही ज्वाइन करता हूं सैटरडे को, मंडे टू फ्राइडे काम पे होने की वजह से वो टाइम इजाजत नहीं देता और मीटिंग्स का ज्वाइन करना मुश्किल है। तो एक सिर्फ सैटरडे की मीटिंग जो है मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन पता चलती है वही होती है, उसके आगे पीछे की कुछ नहीं पता चलता। ग्रुप में है, पोस्ट मैसेज आते हैं मीटिंग्स वगैरह के, तो मैं एक ये सुजेस्ट करना चाहूंगा एक अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं हमें जो मीटिंग करते हैं हम सैटरडे को, यहाँ पर हमें NRIs को भी, वो जो मीटिंग्स आपकी चल रही हैं अलग अलग स्टेट्स में एवरी वीक, वीकेंड पे, वीकडेज पे, तो उनमें कोई कॉमन मुद्दा जो आता है डिस्कशन का,
सभी तो नहीं यहाँ पर डिस्कस किए जा सकते, मगर जो कहीं भी कॉमन मुद्दा जो आता है उसको अगर आप हमारे साथ भी शेयर कर लें यहाँ पर मीटिंग में, तो हमें भी वो अपडेट मिलती रहेगी आगे के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा हमारी जो श्रमण संघ की मूवमेंट है वो कैसे चल रही है, वो बात कैसे हो रही है, तो लोगों के क्या कंसर्न है और कैसे कैसे वो चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें काम करना पड़ रहा है, तो वो सभी के साथ यहाँ पर जो आज सैटरडे को ज्वाइन करते हैं उनको भी अपडेट मिल जाएगी। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे किसी भी दिन की कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता, तो बाकी जो 6 दिन काम होता है आप लोग कर रहे हो, 6 दिन के 7 के 7 दिन ही कर रहे हो हफ्ते के, तो हमें वो अपडेट नहीं मिलती। और मैसेजेस ग्रुप में इतने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मैसेज होते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मगर वो 100 की गिनती में होते हैं, 100, 200, 300, तो सभी मैसेजेस को देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई पॉसिबिलिटी हो, कोई कॉमन बातें जो हमारी डिस्कशन में आती हैं बाहर ग्रुप्स की, श्रमण संघ की मीटिंग्स में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग गाँव में, तो उनको यहाँ पर शेयर कर लें, तो हमें भी अपडेट मिल जाया करेगी। ये मैं सत्या जी से अनुरोध करता हूँ और सुधीर राज जी से भी कि अगर आपके पास वो कॉमन टॉपिक आते हैं तो यहाँ पर भी जरूर मीटिंग में 2-4 मिनट के लिए उसके बारे भी बात कर दें कि ये बात चल रही है और ये ऐसे इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा चैलेंज है, ये हमारे आसानी से काम हो रहे हैं, तो उनमें से होगा क्या कि हमें भी कोई ना कोई सीख मिलेगी यहाँ पर उसको फील्ड में, यहाँ पर लोगों के साथ उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारा भी काम थोड़ा आसान हो सकता है। साथ साथ ही श्रमण संघ की जो अपडेट है वो हमारे पास आती रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल क्या क्या हो रहा है। तो ये मेरा आज के दिन में आपके साथ सभी के साथ ये गुजारिश है कि अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, हम भी अपडेट रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में फिर दोबारा मिलूंगा और आपके साथ कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ थोड़ा लंबी, और इस वीक के लिए माफी चाहूंगा। आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैं जब तक जुड़ सका मैं जुड़ूंगा, और फिर मुझे दूसरी मीटिंग के लिए जाना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फिर द्वारा। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक्स यू, बैक टू यू सत्य जी। बताओ कनाडा से। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। वेल सर, आप कॉन्सेप्ट के लिए आए सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
साधु साधु साधु।